लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के राष्ट्रीय समन्वयक व अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव अजमेर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने शहर जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और मिशन के संबंध में चर्चा की। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव अजमेर पहुंचे। लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के राष्ट्रीय समन्वयक व अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव अजमेर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने शहर जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और मिशन के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर डॉक्टर शंकर यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अजमेर जिले में 1 सितंबर को लीडरशिप मिशन के तहत जवाहर रंग मंच पर एक संभागीय स्तर पर वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, जिसके सिलसिले में वह आज अजमेर आए हैं। उन्होंने बताया कि उदयपुर संकल्प शिविर के बाद रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन में तय किया गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रदेश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधानसभा सीटों पर नए सिरे से फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अभूतपूर्व फैसला लेते हुए एससी और एसटी व कमजोर तबके के योग्य व्यक्तियों को उभर कर मुख्यधारा में लाने के लिए और कांग्रेस पार्टी के हित में कार्य करने के लिए तैयार करने के मकसद से यह मिशन लाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूती से कार्य कर रही है और चुनौतियों का दृढ़ता से सम्मानता करते हुए इस बार भी सरकार बनाएगी, आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले कल में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ देश और प्रदेश में उभरेगी। राजस्थान में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस की सरकार मजबूती के साथ अभी भी काम कर रही है और आने वाले कल में जो चुनौतियां हैं उनका भी दृढ़ता से मुकाबला करते हुए हम लोग राजस्थान में एक बार फिर मजबूत सरकार बनाएंगे। जिले में सभी जगह कार्यक्रम मैंने बताया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जितने भी सीटें हैं उन सीटों को आइडेंटिफाई किया है अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और उन सभी जगहों पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके बाद दूसरी स्थिति में दूसरी जगह पे भी होंगे, लेकिन पहले पहले फर्स्ट उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखा। सर, यहाँ पे किस जगह होगा? ये हम जवाहर रंग मंच पर कार्यक्रम करेंगे और हमारे यहाँ के सारे नेता एक साथ हैं और पूरी तरीके से एक साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं हेमंत पाटी साहब और सारे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और सभी पूरी मुस्तैदी के साथ बहुत ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को वापस लाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ निश्चय हैं एकदम, और आने वाले कल में हम लोग कामयाब होंगे। का कार्यक्रम लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन है, उस कार्यक्रम के तहत हम अजमेर में 1 सितंबर को डिविजनल वर्कशॉप कर रहे हैं लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की। उस कार्यक्रम के सिलसिले में मैं आज यहाँ आया हूँ। हमारे सभी वरिष्ठ नेता हेमंत पाटी साहब और हम सब लोग बैठे हुए हैं। उदयपुर संकल्प शिविर के बाद रायपुर जो हमारा कांग्रेस का महाधिवेशन अधिवेशन था उसमें तय किया गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो हमारी पार्लियामेंट और असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको फोकस करेगी और उनके साथ ही पूरे देश में एक लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का एक कार्यक्रम AICC ने शुरू किया। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का मकसद ये है कि जो दबा कुचला व्यक्ति है जो लीडरशिप तो करना चाहता है लेकिन वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाता, कई हर्डल्स होती है, कई प्रॉब्लम्स होती है, तब राहुल गांधी जी ने एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए ये तय किया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या कमज़ोर तबके का कोई भी व्यक्ति जो योग्य होगा, उसकी योग्यता है लेकिन कई परिस्थितियों के कारण वो आगे नहीं आ सकता है, तो राहुल गांधी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए उसको ऊपर उठाने के लिए, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए और कांग्रेस पार्टी के हित में काम करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, एक मजबूत आधारशिला बनाने के लिए ये कार्यक्रम तय किया है। इस कार्यक्रम के तहत हम नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, महिलाओं को खास करके फोकस करेंगे और उन दबे कुचले जो लोग हैं, पीड़ित वंचित वर्ग के लोग हैं जो राजनीतिक स्ट्रगल में नहीं आ पाते थे, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सब चाहते हैं कि वो आगे आएँ, उसी के तहत हम असेंबली लेवल पर वर्कशॉप कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्कशॉप कर रहे हैं, डिविजनल लेवल पर वर्कशॉप कर रहे हैं और निश्चित रूप से अभी चूँकि विधानसभा का चुनाव राजस्थान में है, देश के 4 राज्यों में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव होगा
और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, जो आज की अराजकता की स्थिति है देश में, अकर्मण्यता की स्थिति है देश में, जिस तरीके से नफरत की राजनीति इस देश में चल रही है, एक बहुत बड़ा जनादेश राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है पूरे देश में, चाहे वो मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, पूरा देश अब शर्मसार महसूस करता, और ऐसे में देश की जनता राहुल गांधी जी की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रही है। एक मजबूत नेतृत्व के कारण राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के पदयात्रा के तहत पूरे देश में मोहब्बत का नारा दिया है, प्रेम का नारा दिया है, भाईचारे का नारा दिया है। ये गांधी जी का नारा था, हमारे ऋषि मुनियों ने ये नारे दिए हैं, बात कही है।